सभी साथियों को नमस्ते। और दिल्ली के सभी क्रांतिकारी साथियों के लिए एक खबर है कि दिल्ली की जनता सरकार मोर्चा की एक मीटिंग तो उस दिन हुई थी जब तरुण कोठारी जी की जब तारीख थी, जब कोर्ट की डेट थी, उस दिन उस हियरिंग के दिन हुई थी। लेकिन वहाँ बहुत से साथी वो भी आए हुए थे जो दूसरे स्टेट से थे। तो कुछ साथियों ने सलाह मशवरा किया और ये निर्णय लिया कि अब हम दिल्ली की प्रॉपर चारों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन्स की मीटिंग्स करने जा रहे हैं। और इसमें हम चारों की एक मीटिंग सबसे पहले करेंगे, जिसमें जमुना पार से भी साथी आएंगे, नजफगढ़ साथ तरफ से भी आएंगे और इधर रोहिणी तरफ से भी, सब जगह से आएंगे। तो आप साथियों से एक निवेदन है कि आप लोग संडे को पहुंचिए, 7 तारीख को। 7 तारीख को आपने पहुंचना है Z66। Z मतलब वो Z66 पे, रजौरी गार्डन में। ये कैसे है कि आप टैगोर मेट्रो स्टेशन के पास जो गेट नंबर 4 है वहां से बाहर आएंगे, तो मेट्रो पिलर नंबर 429 से आपको राइट टर्न लेना है और फिर उसके बाद वहां गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। राइट हैंड में ही गेट है, उसमें एंटर करके पहला ही मकान है राइट हैंड में, तो वहां आपको पहुंचना है। और पहुंचने से पहले आपको एक चीज खबर बता दें कि वहां जो दिल्ली के साथी हैं, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली की जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग कब होगी और हम कब मतलब ऑफिशियल रूप से हम लोग मुलाकात करेंगे, तो आप लोग पहुंचिए। उसमें कुछ साथियों के सवाल आए थे कि ये सोच करके कि अगर हम कुछ डोनेशन देना चाहें तो आप लोग वहां उस दिन पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यूपीआई, मैं सुनील भाई को बोलूँगा क्योंकि उनके पास है अकाउंट का लेखा जोखा, कि वो आपको बता दें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आप लोग हमें बताएं कि आपको कुछ डोनेशन देनी है, तो मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करनी है, हम सीधा उसी के अकाउंट में करवा सकें, या फिर आपको ये लगता है कि आप का अकाउंट, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है ट्रेस हो जाए और आप खुल के धड़ल्ले से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपको अकाउंट नंबर भी दे देंगे। और एक मतलब बहुत से साथी भावनात्मक रूप से मतलब बहुत हद दर्जे की बात कर देते हैं कई बार, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम उस लेवल पे अपना मतलब क्या कर पाएंगे, क्योंकि लोग जज करते हैं आपने किया क्या है। हालांकि अभी तक जनता सरकार मोर्चा की जो गतिविधियां हैं उनको मैं बहुत कामयाब लेवल पे देखता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसमें यह है कि अगर कोर्ट भी तब निर्णय लेगी आपके फेवर में जब लोग आप इकट्ठे होंगे, तो अगर लोग घरों में बैठे रहते तो कोर्ट भी आपके फेवर में निर्णय नहीं लेती। कोर्ट भी फिर कह देती कि नहीं भाई, ये तो तुमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेटर गुड के लिए है, बाकी दुनिया को बचाने के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके अंदर कोई इस तरह का अभी कोई जबरदस्ती आपके ऊपर आई हो। उसका कारण मैं समझता हूँ कि जनता सरकार मोर्चा की वो मुहिम है जहाँ पर गांव-गांव जाकर के लोगों ने अपने आप से, मतलब हमारा काम क्या था, जो मकसद था हमारा, हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को इतना जागरूक कर दें कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाएं। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम कोई बहुत बड़ा श्रेय लेंगे हम इसका, इसका श्रेय लोगों को जाता है। लेकिन हमने, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल एक ही काम किया कि लोगों को जागरूक किया, उनके अधिकारों को बताया और वो समझे। लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा चलेगा। ये एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि अभी तो इन्होंने शुरू किया है, 2030 तक चलेगा, तो अभी आसपास आपको जो मौत है वो भी दिखनी शुरू हो गई है, डंगरों की, खास तौर पे गायों की, और उनमें एक बीमारी आने लगी है। और ये सीधी सीधी एक बात समझिएगा, ये डायरेक्टली आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, कहीं आप ये ना समझो, मतलब उधर से एक बीमारी आ रही है और इधर से दूसरी बीमारी आ रही है, और वो दोनों की दोनों सेम ही जा रही है, समझते हैं ना आप।
मतलब इंसानों में भी वैसी ही बीमारी है और जानवरों में भी वैसी ही है। थोड़े दिन पहले इधर भी शुरू हुए थे वही चीज़ लगनी और उधर भी शुरू हुई थी। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचने में आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए। सचिन का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9717080722। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप लोकेशन वगैरह भी मंगा सकते हैं। आपको कोई और दिक्कत है तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, तो उस दिन की जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज जो है अभी सचिन कर रहे हैं, उनके पास स्पेस भी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और उस पूरे के पूरे इवेंट में आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा हमसे, और हम सारे मुद्दों पे आपके क्वेश्चंस जो लेंगे उस दिन। और उस दिन के लिए आपका काम होगा कि हम ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट फेज कौन सा रहेगा, हरियाणा में जो स्टेट की मीटिंग चल रही है उसके लिए हमारी क्या तैयारी है वो भी चर्चा करेंगे, और हम सभी साथी वहाँ पहुँचेंगे। आप भी पहुँचिए, आपके आसपास अगर आप लोगों ने और लोग तैयार कर लिए हों जो सरकार के इस प्रोपेगेंडा को समझते हों, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनको भी साथ लेकर के आइए, क्योंकि आप अभी तक जो हरियाणा का जो रुझान रहा है वो हर जिले से 200-250 लोग आए हैं हर मीटिंग में, किसी किसी में कम भी रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप दिल्ली के बहुत सारे साथी आएँ, एक तो एक दूसरे से रूबरू हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल लेंगे, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि कौन कौन साथी हैं। फिर जब हम साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे, आने वाले वक्त में हमें किस लेवल पर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है इसका अंदेज़ा भी हम लोगों को हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत है, अभी इस शुरुआत के दौर में हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके चलना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। फिलहाल के लिए उन साथियों को मतलब खुले दिल से उन सबका स्वागत है जो भी सरकार के साथ इस लड़ाई, सरकार के सामने हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं। बहुत से साथी हैं जो मतलब चेहरा तो फोटो तो राजीव दीक्षित भाई की लगा रहे हैं, लेकिन उनके काम में हमको थोड़ा डाउट रहता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि आप लोग उस पुण्य आत्मा का नाम कम से कम जब अपने साथ जोड़ें तो कम से कम किसी के साथ धोखा ना करें। वो जो साथी हैं वो साथ आते जाएंगे, साथ साथ उनका पता चलता जाएगा। अभी जैसे मुझसे कुछ देर पहले किसी ने मैसेज किया कि हमारे पास जितने घर में जितने गहने रखे हैं वो हम जनता सरकार मोर्चा को देना चाहते हैं, तो मैं आपके इस सहयोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना भरोसा करते हैं। लेकिन यकीन मानिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इस लेवल पर ना जाना पड़े कि आपको अपने घरों से वो अपनी जमा पूंजी जो है वो खर्च करनी पड़े। हमारे पास बहुत से साथी हैं जिनके पास उनकी नेक कमाई में से वो अगर एक 10% हिस्सा भी देने लगे अगर जनता सरकार मोर्चा को, तो हम एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर लेंगे। फिर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं अगर, या फिर अगर आपके पास हार्ड कैश नहीं है, आपकी शुभकामनाएं भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उस दौर में जब सब जगह सब कुछ बंद था, उस वक्त जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस मुहिम को चलाया, उसके सामने कोई भी त्याग जो है वो छोटा है। तो आप लोगों का जो त्याग है जिस तरीके से आपने कहा है वो मतलब उससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता कि आप अपना सब कुछ देने को तैयार हों जब किसी मुहिम के लिए। और अभी आपका काम है केवल पहुंचना, आप पहुंचिए रजौरी गार्डन में 7 तारीख को दोपहर 12 बजे। 12 बजे हम लोग मीटिंग शुरू कर देंगे और 4 बजे तक हमारी योजना है उस मीटिंग को किसी भी हाल में ख़त्म करके आप लोगों को विदा कर दें। इसलिए देर मत कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, आपको पहुंचना है वहाँ 12 बजे 7 तारीख को। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जल्दी ही आप लोगों से मिलते हैं और उस दिन आकर के आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।